भागवतम में ये श्लोक आ रहा है कि इत्थम निर्तिर्य गृषिदेव झषावतारैर् लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् धर्मं महापुरुष पासि युगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम्। छन्ना, ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के प्रसंग में, जैसे कल गौर पूर्णिमा है, तो यहाँ पे भगवान श्री चेतना प्रभु के बारे में बताया जा रहा है भागवतम में कि वो अवतार हैं और वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। छन्ना, छन्ना माने वो छिपे हुए रूप में, गुह्य अवतार है जो सामने नहीं बताते हैं, है ना, डायरेक्ट नहीं है। तो वो भक्त के रूप में, भक्तावतारम, भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया और इस बात को रूप गोस्वामी ने समझा सबसे पहले, उन्होंने हमें बताया, सभी भक्तों ने, सार्वम भट्टाचार्य, रूप गोस्वामी, और शास्त्र में भी है, उपनिषद में है, महाभारत में है ना, साधु शास्त्र, तो ये सब चीज़ें मानते हैं, है ना, साधु के हिसाब के आधार पर और शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र कह रहा है, भागवतम कह रहा है ना। तो जो महान भक्त हैं वो लोग शास्त्र के आधार पर देख के और ये बात कंफर्म करते हैं कि हाँ ये अवतार हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी अवतार हो जाए। तो यहाँ भागवतम में वर्णन आ रहा है ना कि भगवान जो है वो तीन युगों में आते हैं, है ना, अलग अलग अवतार लेते हैं, मनुष्य के अवतार में, और कभी वराह रूप बन के, कभी कच्छप रूप बन के, अलग अलग जानवर के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी मछली के रूप में, कभी कछुए के रूप में, ऐसे करके भगवान अलग अलग अवतार लेते रहते हैं। जब भी संसार में इस भौतिक जगत में जब भी पाप बढ़ जाएगा तो भगवान ऐसे अवतार लेते रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कलयुग में भगवान जो है वो छिपे रूप में आते हैं, वो अपने आप को बताते नहीं क्यों भगवान, वो भक्त के रूप में आते हैं और भक्त के रूप में भक्ति करके सिखाते हैं, तो वो अपने आप को बताते नहीं कि मैं भगवान हूँ। इसलिए कह रहे हैं भागवतम यहाँ कि इसलिए आप, चूंकि आप सतयुग त्रेता द्वापर तीन युग में आप खुले रूप से आते, खुल के बताते कि आप भगवान हैं, पर कलयुग में नहीं बताते, इसलिए आपको त्रियुगी कहा जाता है, है ना। भागवतम में 11वें स्कंद में भी आ रहा है, 11वें स्कंद में 5:32 में कृष्ण वर्णम तुजा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो भगवान हैं वो कृष्ण ही हैं, लेकिन वो उनका रंग अकृष्ण है, गौर है, अकृष्ण माने कृष्ण का उल्टा, यानी कि गौर रंग है, है ना। और सांगो पांगस्त्र पार, हमेशा अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, और किस विधि का प्रचार करते हैं, संकीर्तन यज्ञ का, कलयुग के धर्म, युग धर्म संकीर्तन का प्रचार करते हैं। और कौन कौन लोग उनकी पूजा करते हैं, सुमेधसा, जो सुमेधसा है, जो बुद्धिमान है, वही इसको समझ पाते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं, यज्ञ ही संकीर्तन, यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जाती है। ये जो है भागवतम में करभाजन जी ने निमि महाराज को उत्तर में बताया है, जब वो बता रहे हैं कि अलग अलग युगों में कौन से भगवान, अलग अलग युगों में क्या धर्म है, किस तरीके से भगवान की, कृष्ण की पूजा होती है, कौन सा उनका रूप है ना, पूजा की विधि क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इस तरीके से अलग अलग जगह बताया गया है ना। वृंदावन दास ठाकुर भी लिखते हैं युग धर्म पालो, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो युग धर्म को प्रचार करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए आए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु
जो है वो छन्न अवतार कलयुग में छिपे रूप में आते हैं, है ना, वो खुल के नहीं दिखाते कि अवतार हैं, जैसे नरसिंह भगवान, जैसे बावन भगवान, जैसे भगवान रामचंद्र, है ना, पर कलयुग में वो भक्त के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम करुणा अवतार हैं, सबसे ज्यादा करुणावान, दयावान, है ना। तो जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग इस बात को नहीं समझ सकते, जो भगवान कृष्ण की बात को नहीं समझ सकते, डायरेक्ट गीता को नहीं समझ सकते, गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, है ना, जो भगवान के इस आदेश को नहीं समझ पा रहे हैं, भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, है ना, भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, पर वो कह रहे क्यों, आप कौन होते हैं मेरे को ऑर्डर देने वाले, आदेश देने वाले, ये समस्या है कलयुग में। वो भगवान कह रहे हैं आप मेरी शरण में आओ, कहते हैं नहीं आप कौन, पहले आप बताओ आप आदेश देने वाले कौन है, है ना। तो कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं पर उसको नहीं समझ रहा है, तो अब और क्या करें, है ना। तो जो सुप्रीम भगवान कह रहे हैं उनकी बात को भी नहीं मान पा रहा है, इतना बड़ा मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आ रहा है ना। भगवान सीधे कह रहे हैं कि आप जो है मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे कष्टों से अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षेषये मा सुचा, डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन हमारा स्थिति क्या है कि हम इतने मूर्ख हैं कि हम उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, है ना। तो भगवान जो है कहते हैं अब हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको, है ना, हमको लग रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य सब कुछ छोड़ दें। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ दे भाई, है ना, क्यों छोड़ दे सब कुछ, मैंने तो बहुत सारा चीज बनाया है, बहुत सारे धर्म बना रखे हैं, ये धर्म वो धर्म, बहुत सारे आजकल चलता है ना इज्म, प्रभुपाद जी क्या कहते थे इज्म, है नेशनलिज्म, है ना, कास्टिज्म, स्टेट, ऐसे इज्म का है ना, ये इज्म वो इज्म, ये सब हमने बना रखे हैं, भगवान के सब छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दें। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। गौर पूर्णिमा हम इसीलिए मनाते हैं, कल गौर पूर्णिमा का उत्सव, इसलिए आज हम इस बात को जो है चर्चा कर रहे हैं कि हम कल किस तरीके से गौर पूर्णिमा को मना सकें और उस गौर पूर्णिमा के महत्व को समझ सकें, चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जान सकें। रूप गोस्वामी ने हमें बताया, रूप गोस्वामी कौन है, हमारे आचार्य परम्परा में श्रेष्ठ गुरु हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रूप रघुनाथ पदे हैबे अकूति कबे हम बुझबो श्री युगल प्रीति। जो है रूप रघुनाथ, अगर हम भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमें गुरु परंपरा के माध्यम से जाना पड़ेगा, गुरु परंपरा से। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, बिना गुरु परंपरा में को फॉलो किए हम भगवान को नहीं समझ सकते, और जब तक हम भगवान को, जब तक हम इस ये विधि जो गुरु परंपरा की जो विधि है, जब तक हम इस विधि को नहीं समझ सकते तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसे कहते हैं सरेंडर, शरणागति, है ना। तो भगवान चाहते हैं क्या है, कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में। तो अगर हमें कृष्ण के पास जाना है तो हमें बहुत ही सबमिसिव बनना पड़ेगा, है ना, झुकना पड़ेगा, है ना। अब हम किसके सामने झुकें, कृष्ण तो है नहीं यहाँ, तो हम किसके सामने झुकें, कृष्ण तो हमें दिख नहीं रहे। तो कहते हैं कि जो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, जो गुरु है, प्रतिनिधित्व जो कर रहा है कृष्ण का, उसे हम, उसकी हम शरण में चले जाएं, उसकी शरण में हम झुक जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, गौर पूर्णिमा उनका आविर्भाव दिवस है, क्यों आते हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो गिरी हुई आत्माएं हैं, पतित आत्माएं हैं, जो
तो जो मूर्ख जो लोग हैं उन मूर्ख लोगों को चैतन्य महाप्रभु ये समझाने के लिए आते हैं, उनको कृष्ण भावनामृत सिखाने के लिए आते हैं। वो खुद करके दिखाते हैं, खुद करके हमें सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण भावनामृत बने, कैसे कृष्ण को हम प्रेम करें। और वो कैसे करते हैं? कीर्तन के माध्यम से। हम देखते चैतन्य महाप्रभु की जो भी फोटो आती है उसमें वो किस तरह से कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना। और रूप गोस्वामी उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु से जब रूप गोस्वामी मिले, है ना, पहला उनका मीटिंग वहाँ पे हुआ, तो वहाँ उस मीटिंग में रूप गोस्वामी ने ये श्लोक लिखा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर द्विजे नमः। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो छन्न अवतार है, गुही अवतार है, पर है कौन? कृष्ण ही है। तो क्यों आए हैं? हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। कैसे आए हैं? कृष्ण भक्त बन के आए हैं, छिपे हुए हैं। कृष्ण है लेकिन रूप क्या बनाया है? कृष्ण भक्त का, है ना। और कृष्ण भक्त के रूप में हमें कहते हैं ये करो वो करो, है ना, अलग अलग तरीके से हमें सिखाते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो कभी, जो कम बुद्धि वाले हैं वो इसको समझ नहीं पाते। वो कहते ये कौन व्यक्ति है जो ऑर्डर दे रहा है, हमें निर्देश दे रहा है, है ना। वो लोग मूर्ख है, कहते हैं कि वो बहुत कुछ कह रहे हैं, ये मत करो वो मत करो, है ना। तो लेकिन हमारा जो विधि है, हमारा विधि क्या है कि हम भक्ति अगर चाहते हैं तो हमें झुकना पड़ेगा, हमें शरण लेनी पड़ेगी। ये हमारा कृष्ण भक्ति का जो है तरीका है, विधि है। चैतन्य महाप्रभु यही हमें सिखा रहे हैं। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु न मानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तो महाप्रभु एक सिद्धांत बताते हैं, त्रिनादपि सुनी चेना, हमें जो है घास जो ग्रास है ना उससे भी विनम्र होना चाहिए। जो घास का जो तिनका है तिनके से भी ज़्यादा तृण, तिनके से भी ज़्यादा हम विनम्र हों। जो सड़क पे पड़ा हुआ तिनका है उससे भी ज़्यादा हम विनम्र हो जाएं कि कोई भी हमें जब कोई उस पर तिनके पे कोई पैर रखता है तो वो कोई विरोध नहीं करता, है ना। और तरोरपि सहिष्णुना, और पेड़ वृक्ष से भी ज़्यादा हम जो है सहिष्णु बने, सहने की क्षमता हमारे अंदर कैसी हो? वृक्षों के जैसी हो, है ना। वृक्ष को काट दे कुछ भी करे पर वो कोई विरोध नहीं करता, और बदले में बल्कि मदद ही करता है। फल फूल पत्तियां सब वो दूसरों के लिए छाया, वो धूप गर्मी बारिश सब सहते हैं फिर भी दूसरों को क्या देते हैं? फल देते हैं, मीठे फल देते हैं, छाया देते हैं, दवा देते हैं, सब कुछ देते हैं, है ना। और अंत में लोग उनको काट भी देते हैं, है ना, तो पर कोई विरोध नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं कि इस तरीके से आप विनम्र बने, और इस तरीके से पेड़ों के जैसे वृक्षों के जैसे आप सहनशील बने, राइट। कोई कह सकता है भाई हमने आपकी बहुत मदद करी फिर भी आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, कोई विरोध नहीं, सहना है। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, और अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमें अमानिना मान देना माने हमें अपने लिए कोई भी सम्मान की आकांक्षा नहीं है, किसी से आप ये अपेक्षा न रखें कि वो हमें सम्मान दे, और साथ ही साथ हम उनको सम्मान दें, है ना। अमानिना मान देना उनको अपने लिए कोई सम्मान नहीं चाहिए पर दूसरों को हम सम्मान दे रहे हैं, है ना। तो ये जो है, और फिर कीर्तनिया सदा हरि, अगर हम इस तरीके से अपने आप को बना लें कि हम जो है सबको सम्मान देते हैं, किसी से सम्मान की आशा नहीं रखते हैं, और तिनके से भी ज़्यादा विनम्र हैं, पेड़ों से भी ज़्यादा सहनशील हैं, तो हम क्या कीर्तनिया सदा हरि, हम तब हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं।
ये सिद्धांत महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु कृष्ण स्वयं कृष्ण ही है। ना चैतन्यात कृष्णात परतत्वम परम इहा परतत्वम, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु परतत्व है, उनसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है, कृष्ण ही स्वयं है। ना चैतन्यात कृष्णात परतत्वम परम इहा यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, महाप्रभु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, एक ही है ना। भगवान स्वयं जो है कृष्ण, वो महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना। भगवान को हम ब्रह्मन परमात्मा भगवान तीन रूप में समझ सकते हैं। वदन्ति तत्त्व विदस तत्त्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते, तीन रूप में समझ सकते हैं, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान, है ना। तो जो कृष्ण है वो भगवान स्वयं आते हैं और वो कहते हैं कि जो मेरे पास जिस तरीके से आएगा मैं उसको उस तरीके से जो है अपना प्रेम दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथे भजामि हम, इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान परम तत्व के पास ब्रह्मन के रूप में समझता है तो वो वही समझेगा ना, और अगर परमात्मा के रूप में सब जगह देख रहा है तो वो उनको वैसे समझ सकता है। और लेकिन अगर हम परम तत्व को भगवान के रूप में प्रेम करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम उनको पर्सनल प्रेम करें, है ना, तो हमें वैसा मिले। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो इस तरीके से भगवान हमें जो हम चाहे वो देने के लिए तैयार हैं। पर इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो यहाँ भागवतम में क्या बता रहे हैं, निरित्रिक ऋषि देव जहा, तो सबसे पहले शुरू में क्या था, पानी था, है ना। तो दशावतार के बारे में सुनते, है ना। दशावतार केशव धीरता निरहरि रूपा, ऐसे करके जो हमने है, मीन शरीरा वामन रूपा जय जगदीश हरे, सुनते ना। तो केशव धीरता दशावतार स्तोत्र में आता है ना, कि भगवान सबसे जब सब जगह पानी है तो भगवान कछुआ बन के आए, टॉर्टोइज कच्छप अवतार कूर्म अवतार, भगवान नरसिंह देव बने, भगवान बामन देव बने, इसी से गोया नित्य लीला चलती रहती है, है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अवतार सिर्फ मनुष्य जाति में है, मनुष्य समाज में हो गए हैं, जानवरों में भी है, है ना, पेड़ों में, वृक्षों में। इसलिए भगवान कहते भगवद गीता में कि वृक्षों में मैं ये हूँ, है ना, जानवरों में मैं ये हूँ, है ना, और योद्धाओं में मैं ये हूँ, सेनापतियों में मैं ये हूँ, है ना। तो इस तरीके से भगवान हर जगह अवतार लेते हैं हमारे समझने के लिए, है ना, इसलिए ताकि हम उसको समझ सकें भगवान को। हर जगह भगवान अवतार लेते हैं और गीता में भगवान इसलिए बता रहे हैं। गीता जैसे एक जगह कहते हैं रसो हम अप्सु कौंते या, है ना। तो भगवान हर जगह क्यों आ रहे हैं, अलग अलग जगह अवतार क्यों ले रहे हैं, ताकि हम उनको पहचान सके और उनकी हम अप्रिशिएशन कर सके, उनको हम समझ सकें, उनके जीव अपने जीवन में उनके महत्व को हम समझ सकें, है ना। तो हम भगवान का साक्षात्कार आसानी से कर सकें इसलिए भगवान वहाँ पे हमें अलग अलग जगह आ रहे हैं। रसो हम अप्सु कौन्तेया, है ना। हे अर्जुन, मैं पानी में स्वाद हूँ, जो पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। अब पानी कौन नहीं पीता आप बताइए, है ना। जानवर भी पानी पीते हैं, इंसान भी पानी पीते, पानी कौन नहीं पीता। तो जब पानी पियेंगे तो उसका स्वाद मिलेगा, तो कोई भी समझ सकता है कि भगवान है, तो उस पानी में भगवान है ना। इंसान समझ सकता है, जानवर समझ सकता है। अब जानवर जब पानी पिएगा उसको क्या समझेगा, जानवर तो नहीं समझ रहा है कि भैया इसमें भगवान है, लेकिन इंसान जब पानी पिएगा तो उसके स्वाद को समझेगा, उसकी प्यास जब बुझेगी तो उसको कहेगा हाँ यहाँ भगवान है, और नहीं समझेगा तो वो जानवर के समान है ना। यही तो फर्क है, जानवर नहीं समझ सकता भगवान को और इंसान समझ सकता है,
अगर हम पानी पियेंगे हम समझ जाएंगे, हमें भगवान की याद आएगी। भगवान ने गीता में कहा है कि ये जो है पानी का स्वाद मैं हूँ। तो जब भी हम पानी तो हम हमेशा पीते रहते, तो पानी पियेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि कृष्ण है, तो हमें भगवान को साक्षात्कार करने, भगवान को समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए भगवान हर जगह है ना। आप कोई सुंदर सीनरी देखते कहीं हिल स्टेशन में जाते हैं, बीच पे जाते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, भगवान गीता में कह रहे सब जो कुछ भी सुंदर है ये सब मेरे एक छोटे से प्रयास, मतलब एक मेरा इनसिग्निफिकेंट स्पार्क है, बस सब कुछ मेरे से द्वारा हो रहा है। तो जब आप सुंदर सुंदर चीज़ें देखेंगे आपको लगेगा ये सब भगवान का बनाया हुआ, तो आप भगवान को समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो है विधि है भगवान को समझने की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। एव हम हर जगह विष्णु स्मरण, हमेशा हमेशा विष्णु कृष्ण का स्मरण हमें बना रहेगा। जब भी पानी पियेंगे तो कृष्ण का याद आएगा, तो इसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उसको नहीं समझेगा, जो मूर्ख लोग हैं उसको वो पानी पी लेगा लेकिन उसको कृष्ण का याद नहीं आएगा, क्योंकि सभी पानी पीते हैं लेकिन कितने लोग याद रखते हैं? कितने लोग उस पानी जब प्यास बुझाता है तो कितने लोग भगवान को धन्यवाद बोलते हैं, कितने लोग समझते हैं कि भगवान का कृपा से हो रहा है। अगर हम बड़ी बस इतना याद रख लें भगवत गीता के ये श्लोक, छोटा छोटा सा लाइन कि मैं पानी का टेस्ट हूँ, है ना, तो हम भगवान को हमेशा याद रख सकते हैं। प्यास लगेगी पानी पियेंगे जब भी भगवान कृष्ण का याद आएगा, है कि नहीं। तो और जैसे ही हम भगवान कृष्ण को याद करेंगे, स्मरण बस वही तो भगवान चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है। कृष्ण भावनामृत रसोम अपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्या। और आगे कहते हैं कि जो सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है वो मेरे से आ रहा है ना। तो जब हम दिन है सूर्य को देख रहे हैं तो कृष्ण का याद आ रहा है, रात्रि है तो चंद्र को देख रहे हैं तो कृष्ण का याद आ रहा है ना। तो जब भी हम देखेंगे इन सब चीजों को तो हमें कृष्ण का याद आएगा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति उसको नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने तो इतना आसान कर दिया है। पानी पियोगे कृष्ण का याद आएगा, सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, कुछ भी देखो आपको कृष्ण का याद आएगा, है ना। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा वेदांतिस्ट हूँ, बहुत वेदांतवादी हूँ, है ना, तो ये मैं ये सूर्य की रोशनी से और चंद्रमा की किरणों से कैसे सीखूंगा, मैं उनसे क्यों पढ़ूं, मैं उनसे क्यों कुछ सीखूं, मैं क्या करूंगा, मैं ओम का जप करूंगा, मैं ये मंत्र पढ़ूंगा, मैं वो कुछ लोगों को सिंपल नहीं समझता तो उनको ना बड़ा बड़ा मंत्र चाहिए, तो सारा वैदिक मंत्र बोलेंगे। तो वैदिक मंत्र कहाँ से शुरू होता है? ओंकार, है कि नहीं। तो ओंकार से शुरू होता है, तो आगे गीता में भगवान ने वो भी कह दिया, प्रणवः सर्व वेदेषु, मैं सभी वेदों में क्या हूं, ओंकार मैं हूं। अब भैया आप तो बहुत बड़े कोई वेदांतिस्ट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा, अब आपको क्या ओम का चैंटिंग करना है, ओम का जप करना है, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि वो ओंकार, वो प्रणवाक्षर, वो ओंकार कौन है, मैं हूं। तो सारा वैदिक मंत्र जो है वो ओंकार के बाद ही जाता है, है ना। अब ओंकार कौन है, कृष्ण है, गीता में कृष्ण बता रहे हैं। सारे वैदिक मंत्र जो आएंगे वो ओंकार के बाद आएंगे, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति, इस तरह से जितने भी वो आएंगे वैदिक मंत्र ओम से शुरू होते हैं, है ना, सभी। तो आप चाहे कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा वेदांतिस्ट बन जाए, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, किसी के लिए समस्या नहीं है कृष्ण को समझने में, कोई समस्या नहीं है, कृष्ण को बड़े आसानी से वो समझ सकते हैं। साधारण व्यक्ति पानी पी के समझ सकता है, सूर्य की रोशनी को, चंद्रमा की किरण को देख के समझ सकता है, और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको बहुत ज़्यादा लगता है कि वो वेदांतवादी है, वो ओंकार प्रणव वैदिक मंत्र को बोल के भी कृष्ण को समझ सकता है। तो भगवान ने सोचा कि भगवान ने क्या सिखा दिया, भगवान सबको कृष्ण भावनामृत बनाना चाहते हैं, लेकिन
फिर भी कुछ लोग हैं जो मूर्ख हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कृष्ण को, उनके लिए भगवान फिर से आए। पहले गीता में बता दिया तो वो नहीं समझे, अब भगवान ने कहा भी जो और जो मूर्ख हैं, जो महामूर्ख मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए मैं फिर से आऊंगा और मैं उनके लिए भक्त बन के आऊंगा, है ना। और भक्त बन के मैं उनको करके सिखाऊंगा। कुछ लोगों को ना बोलने से नहीं होता, वो जब देखेंगे अच्छा ऐसे कर रहा है तो वो करेंगे। तो करके सिखाने के लिए भगवान फिर से आए और उनका नाम हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जय। तो इस तरीके से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्त के जैसे काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति है। नहीं, है ना, वो सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई उनको मसाज कर रहा है, तो बॉडी मसाज कर रहा है, तो कभी कभी वो उसको सिखाते हैं, है ना, कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इसका मतलब नहीं कि जो वो मसाज ले रहा है तो करने वाले का सर्वेंट हो गया, नहीं, वो करके सिखा रहा है कि ऐसे करना है तुमको, है ना। तो इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भक्ति करके हमें सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य एक ही है, कोई फर्क नहीं है। सभी शास्त्रों में इसको बताया गया है। छन्ना कलो यद अभवा, कलयुग में भगवान छन्ना गुह्य छिपे हुए रूप में भक्त बन कर आते हैं, त्रियुगी इसीलिए उनका नाम है। और वो यहाँ पे नरसिंह भगवान, बामन भगवान, रामचंद्र भगवान जी के तरह नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे, वो भक्त बन के आएंगे, भक्तावतारम, भक्त बन के आते हैं, भक्त का अवतार के रूप में आते हैं। जब भगवान कूर्म बन के आते हैं तो उनका नाम हुआ कूर्म अवतार, जब मछली बन के आते हैं तो मत्स्य अवतार, जब शूकर बन के आते हैं तो वराह अवतार, जब ग्रंथ बन के आते हैं तो ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम, जब नाम के रूप में आते हैं तो नाम अवतार, इसी तरह जब भक्त के रूप में आते हैं तो भक्तावतार कहलाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कल जो है आविर्भाव है, गौर पूर्णिमा है। हम सब लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएं और हरे कृष्ण महामंत्र को शुद्ध शुद्ध नाम जप का हम शुद्ध नाम जप कर सकें, ऐसी हम पर महाप्रभु अपनी कृपा करें। और हम सब लोग कल के लिए तैयार हों, कल गौर पूर्णिमा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, उसको मनाने के लिए हम तैयार हों और हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में और अपने मन में स्मरण करते रहें और हमेशा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद का जप जो है करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर पूर्णिमा महा महा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।